Find the remainder obtained on dividing this by this. So basically हमारे पास ये polynomial है, इससे divide करना है इससे, okay? और हमें remainder बताना है. तो देखो दो तरह से हम remainder find कर सकते हैं. जब केवल remainder find करने की बात है, देखो अगर question में ये होता कि divide करो, फिर तो हम जो division process से पूरा करते. इसमें पूछा है remainder. तो रिमाइंडर आप जानते हैं कि दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक तो डिवाइड करके प्रॉपर और दूसरा रिमाइंडर थ्योरम से. तो मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम से करके ही डायरेक्ट बता सकता था, बट मैं चाहता हूं कि मैं पहले इसको नॉर्मल डिवाइड करूं, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट है ये. एक्स क्यू प्लस वन को एक्स प्लस वन से डिवाइड करना स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजिंग लगता है. तो मैं आपको डिवाइड करके भी बताऊंगा रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, और रिमाइंडर थ्योरम से भी बताऊंगा. अगर आपने केवल रिमाइंडर थ्योरम से देखना है तो आप वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं डिवाइड करता हूं यहां पे. एक्स क्यूब प्लस वन को हम डिवाइड करेंगे एक्स प्लस वन से. अब यहां देखो, ये फर्स्ट और ये फर्स्ट देखो, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि ये आए. देखो डिवाइड जब हम करते हैं तो उसमें हम पहला ये और ये देखते हैं, ठीक है? और अगर आपको डिवाइड करना बिल्कुल भी नहीं आता है तो मे भी शायद आपको ये बहुत मुश्किल लगता होगा, इसलिए आप ध्यान से सुनो. ये फर्स्ट और ये फर्स्ट देखो, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए. देखो एक्स में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक्स क्यूब आ जाए, तो आप भी जानते हैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो कि ये आ जाएगा. तो यहां पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर. ओके अच्छा लिख दिया. अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, यहां लिखो. इसीलिए तो हमने इतना दिमाग लगाया था यहां पे ताकि ये सेम आ सके. फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो. अब ये इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बट एक्स स्क्वायर यहां है नहीं. और इसमें हम क्या करते हैं कि एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लिखो, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखो, एक्स के नीचे एक्स, इस तरह से. बिकॉज यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम इसको साइड में लिख देंगे. साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं. हमेशा ये पहला वाला कट जाता है तो प्लस माइनस यहां पर कट जाएगा, क्योंकि सेम है और प्लस माइनस है. ये वन आ गया और ये माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन इसे हम यहां पे नहीं लिखेंगे, इसे हम थोड़ा पहले लिख देंगे. क्यों? बिकॉज एक ऑर्डर होता है लिखने का, यानी सबसे बड़ी पावर पहले आती फिर छोटी पावर. अगर हम यहां पे एक्स स्क्वायर लिखते तो बड़ी पावर पीछे हो जाती, तो इसका ध्यान रखना. माइनस एक्स स्क्वायर को हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना? ओके फिर से ये पहला और ये पहला देखो, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए. तो आप भी समझ रहे होंगे कि इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स का, तो ये आ जाएगा. तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसका इसमें करो, तो ये आएगा माइनस एक्स. अब क्योंकि एक्स नहीं है यहां पे तो इसको साइड में लिख दो. साइन चेंज करने हैं हमें, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस. ये कट गए, हमेशा की तरह पहले वाले कट जाते हैं. ये वन आया, बट एक्स को यहां पे ना लिखने, यहां पे लिखने के बजाय हम यहां पहले लिख देंगे, ठीक है ना? ये प्लस वन है, एक्स यहां पे आ जाएगा. क्लियर? प्लस एक्स आएगा, ठीक है? पुराने साइन हम भूल जाते हैं जब हम उन्हें चेंज कर देते हैं. अब फिर से ये फर्स्ट देखो और ये फर्स्ट देखो, इसमें एक्स में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आ जाए. तो सिंपल वन का करते हैं, तो ये करेंगे एक्स आ जाएगा, इसका वन से करेंगे तो वन वन जा वन. साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, ये भी कट गया और ये जीरो आ गया रिमाइंडर, ठीक है ना? तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि जो रिमाइंडर है दैट इज जीरो. और सिंपली रिमाइंडर के लिए हम आर एक्स भी यूज करते हैं. आप चाहो तो ये भी जीरो लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है ना? ओके और अब हम करते हैं इसे रिमाइंडर थ्योरम से, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. तो हमने क्या करना है कि इसे डिवाइड करना है इससे. तो सिंपली क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको जीरो लेते हैं. टेकिंग एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स आ जाएगा माइनस वन. समझ गए आप? ओके अब देखो हमारे पास पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड करना है, यह है एक्स क्यूब प्लस वन. तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो रिमाइंडर क्या होगा, एक्स की जगह पे यह आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वन का क्यूब प्लस वन. माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है, ये प्लस वन आ गया और ये जीरो आ जाएगा. ये हमारा आंसर है.
ओके तो ये है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो आई होप आपको समझ आया होगा और ये हमें लिखना है, ठीक है ना। जब आप ये अप्लाई करें तो हमें ये जरूर लिखना है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, या फिर जब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बट ये हमें लिखना जरूरी होता है। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट, वहां आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे।